नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल टेक्निकल मंडला में। आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि हम पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बना सकते हैं, वो भी एक क्लिक में। 5 सेकंड तो बहुत बता दिया दोस्तों, 1 सेकंड में बन जाता है। सिर्फ फोटो अपलोड करना पड़ता है और फोटो बन के आ जाता है दोस्तों। वो कैसे करना है चलिए बिना कोई ऐप की मदद से होगी दोस्तों, तो वो कैसे करना है चलिए बताता हूँ वीडियो पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। और लास्ट में एक व्हाट्सअप ट्रिक बताऊँगा दोस्तों, जो स्टूडेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हमें सर्च बार पर लिखना है कट आउट प्रो। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कट आउट प्रो, CUT, CUT, OUT, उसके बाद प्रो, कट आउट प्रो लिखकर सर्च कर देना है दोस्तों। सर्च करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर पहले ही वेबसाइट आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। चलिए इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये यहाँ से डेस्कटॉप साइट कर लेना है। तो इस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद नीचे में देख सकते हैं, यहाँ पर डेस्कटॉप साइट ये रहा, इस पर हमें क्लिक करना है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद ऊपर देखते हैं, यहाँ पर देखो प्रोडक्ट लिखा है दोस्तों, इस पर हमें क्लिक करना है। तो प्रोडक्ट में क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पासपोर्ट फोटो मेकर ये रहा दोस्तों, इस पर क्लिक करना है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर अपलोड इमेज पर क्लिक करना है और अपनी गैलरी से जिस भी फोटो को पासपोर्ट साइज में चेंज करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो चलो अपलोड फोटो इमेज में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ, चलिए इसको ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ऊपर मैं डन कर देता हूँ दोस्तों। उसके बाद ये अपलोड होने लगा है दोस्तों। अब ये अपने आप ही उसको पासपोर्ट साइज में बना के दे देगा दोस्तों, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखो दोस्तों, इसको हम HD में भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे दोस्तों, इसके कितने वो बनाने हैं दोस्तों, आपने कितने प्रति बनाना है। तो यहाँ पर पेपर साइज पर क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद 6, ये देखो दोस्तों 6 आ गए, सॉरी 8 आ गए। उसके बाद ज़्यादा करना है तो ज़्यादा भी हो जाता है दोस्तों, यहीं पर क्लिक करना है आपको और ये कर लेना है। ये देखो कुछ इस तरह से दोस्तों, अब इसको हम डन कर लेते हैं। चलिए इसको मैं डन कर लेता हूँ। ये देखो दोस्तों, इसको अब डाउनलोड करना है हमें। तो यहाँ से डाउनलोड HD में हम डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों। और चलिए मैं डाउनलोड करके आपको गैलरी में दिखा देता हूँ। ये डाउनलोड पर क्लिक किया हूँ मैं दोस्तों, अब ये डाउनलोड होने जा रहा है। अब इसको मैं डाउनलोड पर अगेन से कर दूंगा। अब ये डाउनलोड हो रहा है, आप नीचे में देख सकते हैं ये डाउनलोड हो गया है। इसको ओपन करता हूँ मैं। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा ये आया है, देख सकते हैं आप, कुछ ऐसा बन के आ गया है। हमें कुछ एडिटिंग करनी भी नहीं पड़ी है दोस्तों, और ये अपने आप ही पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना के दे दिया दोस्तों। अब मैं लास्ट में बताने वाला था दोस्तों, वो एक व्हाट्सअप ट्रिक। तो व्हाट्सअप ट्रिक ले चलता हूँ दोस्तों आपको मैं व्हाट्सअप ट्रिक की ओर। तो ये ट्रिक दोस्तों स्टूडेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो कैसे यूज़फुल है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले व्हाट्सअप ओपन करता हूँ दोस्तों। व्हाट्सअप ओपन करने के बाद दोस्तों मैं एक नंबर आपको स्क्रीन पर शो करा रहा हूँ, उस नंबर को आप किसी भी नाम से सेव कर लेना है और उसको ओपन करना है कुछ इस तरह से। यही वाला नंबर है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको जो भी मैथ्स का सवाल हो या फिर साइंस का, फिर बायोलॉजी जिसका भी सवाल हो दोस्तों, उसका फोटो खींच के आपको रख लेना है या फिर तुरंत फोटो खींचना है यहाँ से कुछ इस तरह से। मैं खींच के रखा हूँ दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको कि क्या करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं फोटो खींच के रखा हूँ, तो यहाँ क्लिक करता हूँ। ये एक सवाल है दोस्तों, इसको मैं उसको सेंड कर देता हूँ दोस्तों। 2 सेकंड नहीं लगेगा और इसका आंसर वो सटाक से दे देगा दोस्तों। तो कैसे देगा अभी दिखा देता हूँ मैं। ये देखो दोस्तों, फटाफट यहाँ पर आंसर दे रहा है, वीडियो में दे रहा है, फिर PDF में दे रहा है, सब कुछ में यहाँ पर फटाफट यहाँ पर आंसर हमें मिल जाता है दोस्तों। तो काफ़ी यूज़फुल है ये स्टूडेंट के लिए दोस्तों। तो ये ट्रिक कैसा लगा दोस्तों, कमेंट पर जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।